अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। तो जानते हैं आज की अहम खबर, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें। जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई थी, यहां तक कि अब मार्केटें, बाज़ार और इसके साथ साथ दफातर भी ईद उल फितर से पहले बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें, शादी हाउस मालिकान की जानब से बड़ा फैसला सामने आया है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको तमाम अपडेट मुकम्मल हासिल हो सके। शादी हाउस मालिकान का कहना है कि तमाम दफातर, तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता से खोल रहे हैं, तो हमारे शादी हाउस क्यों नहीं खोले? हम बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, ये फैसला बहुत संगीन होगा, इसलिए NCOC को इस फैसले पर गौर करना चाहिए और हमारे बात पर गौर करना होगा। कहा गया कि तमाम तालीमी अदारे बंद हैं, तमाम दफातर और मार्केट से खोल दी गई हैं, क्या इनमें ही कोरोना है? कहा गया कि NCOC शादी हाउस खोलने का ऐलान करे, इस बारे में मुकम्मल फैसला करे और इस बात पर गौर करे कि शादी हाउस खोलने चाहिए। हमारे कारोबार बंद हैं, इसलिए हम चाहते हैं शादी हाउस खोलें ताकि हम शादी हाउस मालिकान असद उमर की रहाइशगाह के बाहर एहतजाज करेंगे अगर शादी हाउस ना खोले गए, अगर हमारी बात पर यकीन ना किया गया। शादी हाउस मालिकान का असद उमर की रहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने का ऐलान है। शादी हाउस मालिकान का कहना है कि हाउस ना खुले तो गवर्नर हाउस का घेराव तंग कर देंगे। शादी हाउस मालिकान ने कहा कि अब हम एहतजाज करेंगे। शादी हाउस मालिकान का असद उमर की रहाइशगाह के बाहर एहतजाज का ऐलान और कह दिया कि अब हम एहतजाज करेंगे, जहां पर तमाम मार्केटें, बाजार और हर चीज़ खुल गई है और लोगों का दोबारा से उसी तरह से आमदोरफ्त शुरू हो गई है। क्या कोरोना वायरस अब शादी हाउस में ही रह गया है? क्या शादी हाउस स्कूलों में ही रह गए? इस वजह से इन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाए और लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म किया जाए। हम SOPs पर ज़रूर अमल करेंगे और कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए तमाम SOPs पर अमल करना हम सब पर लागू होगा और उन पर यकीनी अमल करेंगे। आज की बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर की। जानने के लिए हर खबर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा और इसके साथ साथ कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए SOPs पर अमल ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।